यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूं और उसी कंटिन्यूटी में चल रहा हूं जहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में छोड़ा था। मेरा अभी भी अभियान जो है वो कैपेसिटर को संपूर्ण बनाने का है, ताकि आप बेहतरीन ढंग से कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। उसी की कड़ी में मेरी ये शुरुआत हो रही है। यस माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को जरा चेक कीजिएगा। कहता है देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द स्पेस बिटवीन देम इज सेपरेटेड बाय ए डी डिस्टेंस एंड लेट अस कंसीडर इनिशियली इट इज एट वैक्यूम कंडीशन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन वी। आप ये देख सकते हैं बैटरी इज कनेक्टेड इन। नाउ ए डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, मैंने आपको यहां पर दिखाया एक डायलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट करने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये डायलेक्ट्रिक है, प्लेट है, इसको मैं धीरे धीरे इंसर्ट करता हूं। ये कौन सा प्लेट है? दिस इज द डायलेक्ट्रिक प्लेट। अब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ये क्या हो गया? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इज स्लोली इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स। आप इस प्लेट्स के अंदर स्लोली कीजिए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। स्लोली है एंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी, अब भी वेलोसिटी से, इसका मतलब इसके अंदर किस वेलोसिटी से आ रहा है? दैट इज ए वी वेलोसिटी। जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था उस समय इंसर्शन इसका कुछ नहीं था, अभी इसमें कितना चला गया आप इसको जस्ट ले सकते हैं। लेट अस सपोज ये लेंथ एल चला गया इसके अंदर, ये लेंथ जो है अंदर चला गया एल। ये बात समझ आ रहा है ना? इजीली समझ में आ गया, इसमें कोई नई बात नहीं है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वो कहां पर था? अभी एंट्री नहीं लिया था और अब इसमें एंट्री ले रहा है एट एनी टाइम टी। तो लेट अस सपोज हमने क्या दिया, लेट अस सपोज एट टाइम टी डायलेक्ट्रिक कवर्स एल लेंथ इनसाइड कैपेसिटर। तो ये एल कितना हो जाएगा? वी इंटू टी। तो ये जो आपके पास एल लेंथ है वो कितना हो गया आपके पास? वी इंटू टी। ये आसानी से समझ सकते हैं। अब आपके पास ये वाला लेंथ को आप कुछ ले सकते हैं, व्हाट इज दिस लेंथ, पूरे लेंथ में इस लेंथ को आप कंसीडर कर लीजिए तो वो आपका बचा हुआ लेंथ आ जाएगा। मतलब ये वाला लेंथ क्या हो गया? वैक्यूम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये टोटल लेंथ एल हो गया। अब ये पोर्शन कितना बच गया? आप अगर चाहिए इसे किसी भी लेंथ मान लीजिए, टोटल लेंथ आप अगर इसका मान लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो ये एल माइनस एक्स हो जाता। मैं इसको अभी जोड़कर बता दूंगा। नेक्स्ट हो गया दोनों का प्लेट एरिया, तो दोनों का बराबर ही रहेगा, इसकी प्लेट एरिया और इसकी प्लेट एरिया। नाउ अब ये क्या हो गया? दिस सिस्टम हैज टू कैपेसिटेंस कैपेसिटर, एक हो जाएगा विथ डायलेक्ट्रिक, इतना बड़ा पोर्शन इस पोर्शन को देख सकते हैं विथ डायलेक्ट्रिक हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा उसके हिसाब से हो जाएगा, टू कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक। एज इन फिगर हम इसको मान लेते हैं, यहां से यहां तक को C1 मान लेते हैं और वैक्यूम वाले को C2 मान लेते हैं। तो व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2, ये हमारा ध्यान। आप अगर इसकी प्लेट की एरिया को माने तो मैंने आपको प्लेट को यहां दर्शाया है, प्लेट को कितना दिया है, ये लेंथ आपके पास मैंने कितना लिया है, आप देख सकते हैं ये टोटल लेंथ L है और B एरिया है, तो L इंटू बी होगा। हमने शुरू में कितना इंसर्ट कर दिया? X लेंथ कर दिया। तो अब उसकी एरिया क्या हो जाएगा? अगर इसकी एरिया को A1 मान लें, यहां तक की एरिया को अगर हम A1 मान लें, तो कितना प्लेट की एरिया कवर किया? A1 अगर लेते हैं तो इसकी चौड़ाई ले लीजिए B और इसकी जो गहराई हो गई यहां पर X हो गया। तो दिस A1 इक्वल टू एंड व्हाट इज A2? A2 आ जाइए, इसको आपने X ले लिया, टोटल लेंथ L था, तो ये बचा हुआ लेंथ क्या हो जाएगा? L माइनस X। तो आपके पास हो गया L माइनस X इंटू B।
दोनों हो गया, बी दोनों की चौड़ाई तो सेम ही रहेगी ना, विड्थ तो सेम है, आप इसकी यहां तक में गए हैं एल, और वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू बी। अब आप कैपेसिटेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेट के लिए के इप्सिलन नॉट ए, ए के लिए हो जाएगा बी एक्स, आसानी से समझ सकते हैं, डिवाइडेड बाई दोनों का गैप को आपने कितना लिया है डी ले लीजिए, इन दोनों प्लेट के बीच की गैप को आपने डी ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा डी के इप्सिलन नॉट बी एक्स बाई डी। किसके लिए ले लिया आपने, ऊपर वाले प्लेट के लिए सी वन जिसमें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, और वह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, नीचे वाले का जो एरिया बन रहा है एल माइनस एक्स और बी, बी के लिए उसमें अगर सी टू लेंगे तो क्या हो जाएगा वैक्यूम है इप्सिलन ए, ए के जगह पर आप क्या लीजिएगा एल माइनस एक्स और वो विड्थ लेंगे, तो एल माइनस एक्स इंटू विड्थ बी, और गैपिंग तो दोनों का सेम ही है डी हो जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर कैसे ऐड है, पहला प्लेट और इसका सेकंड प्लेट एक पोटेंशियल है, और इस दोनों का प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पर है, मतलब C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो यहां पर आप लिख सकते हैं C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और अगर ये बात है तो आप इसकी दोनों को आप जोड़ के लिख सकते हैं व्हाट इज द C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 इक्वल टू C इक्विवेलेंट, C1 और C2 को आप जोड़ते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट B x आ जाएगा डिवाइडेड बाय D, और यहां पर भी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स बी और डी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो डी इसमें आपके एलसीएम है, आप इसको अगर ले लेते हैं कॉमन और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो गया के इप्सिलन नॉट बी एक्स, चूंकि बी और एक्स है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इप्सिलन नॉट एल बी माइनस इप्सिलन नॉट एक्स बी, सिंपल सी बात है, इप्सिलन नॉट एल बी यहां से आ गया, इप्सिलन नॉट एक्स बी यहां से आ गया, के इप्सिलन नॉट बी, सब कुछ आपके सामने है। सो दिस इज द सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट किस बातों पर निर्भर करता है, आप अगर यहां से देखिएगा एक्स को अगर एक तरफ ले लीजिए, इसको और इसको कॉमन कर लीजिए तो कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताऊं बेहतरीन, इप्सिलन नॉट एल बी बाई डी एक तरफ मैंने कर लिया, किसको इप्सिलन नॉट एल बाई बी डिवाइडेड बाई डी, इसमें आ जाइए इप्सिलन नॉट एक्स बी के इप्सिलन नॉट बी एक्स, इसमें कॉमन क्या है इप्सिलन नॉट बी, एक्स को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो मैंने इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही एक्स को कॉमन लिया मेरे पास क्या आ गया बच्चे लोग के इप्सिलन नॉट बी, के इप्सिलन नॉट बी यहाँ से आ गया के इप्सिलन नॉट बी, और इसमें क्या आ गया इप्सिलन नॉट बी माइनस इप्सिलन नॉट बी डिवाइडेड बाई क्या आ गया डी आ गया, ये आपने देखा बेहतरीन ढंग से देखा क्या आ गया इस दोनों के बीच का आ गया पोर्शन। नाउ व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, दिस इज द सी इक्विवेलेंट, पूरा के पूरा आप आ जाइए दिस इज द सी इक्विवेलेंट, हालांकि मैं इस पोर्शन पर कंसर्न रखता हूं वो आ जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा फोकस उसी बात पर है कि कैपेसिटेंस का पोजिशन ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे इसके अंदर जा रहा है ये पोजिशन इसका एक्स की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो था, जब यहां पर देख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू जीरो था तब की कैपेसिटेंस कितना था, आप यहां पर आ जाइए, जब x की इक्वल टू जीरो था तो ये कैपेसिटेंस था c इक्वल टू इप्सिलन नॉट lb, lb का मतलब एरिया, इप्सिलन नॉट a बाई डी था, और आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस क्या है x के साथ लीनियरली वेरीज करता है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस लीनियरली विथ पोजिशन, और अगर आप यहां पर आइए कि भाई ये एक्स कैसे वेरी करता है, तो जब आपका वेलोसिटी और टाइम है तो एक्स को आप कैसे देख सकते हैं, दिस इज आल्सो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि टाइम के साथ भी कैपेसिटेंस लगातार बढ़ता जाएगा जब तक कि ये प्लेट इसको कवर नहीं कर ले, क्योंकि एक्स इक्वल टू वी टी है, तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन अच्छा रहना चाहिए दिमाग में कि कैपेसिटेंस टाइम के साथ क्या प्रभाव पड़ता है जब टाइम टी इक्वल टू जीरो से और यहां तक का प्लेट के अंदर आता है, तो ये लगातार ये वैल्यूज बढ़ता चला जा रहा है। बेहतर ढंग से समझ गए, नेक्स्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आइए, अब मैंने आपसे दिया कि भाई मैं जब इस डायलेक्ट्रिक को इसके अंदर डालता हूं तो चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चार्ज इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, और अगर करता है तो कौन सा नियम को फॉलो करता है, लीनियरली वेरी करता है या पैराबोलिकली या कोई और फॉर्म में, इसको मैं देखता हूं।
मैं इसमें देखा q इक्वल टू एक फॉर्मूला है c इंटू वी, सी की ऑलरेडी आपके पास ये वैल्यू है, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने चार्ज कह सकता है चार्ज अगेन इंक्रीजेड विथ लीनियरली x के साथ करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज भी किस चीज़ से साथ करता है, x के साथ करता है। तो अगर मैं इसका लिखूँ कि भाई कैसा ये ग्राफ बनेगा, तो आप भी क्या देंगे, ध्यान से देखिए किसके किसके बीच में चार्ज ये हो गया और मैं इसकी x की बात ले रहा हूँ, यहाँ x की पोजिशन है। x इक्वल टू आप वी टी भी दे सकते हैं, मतलब टाइम के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये कैसा जाएगा आप ध्यान से देखिएगा, ये भी लीनियरली है, ये तो इतना रहेगा ही रहेगा, दिस इज द मिनिमम। ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, इप्सिलन नॉट एल बी भी और डी, एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, प्लेट एरिया ए टोटल, ये जरूरत के मुताबिक। और यहाँ से ये कैसा चला जाएगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सो चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेड लीनियरली। नेक्स्ट अब इस बात की आती है कि भाई करेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं कहूं कि इससे चार्ज भी निकलता है और साथ साथ करंट भी निकलता है, तो करंट का वेरिएशंस क्या होता है, या आपने देखा कैपेसिटेंस को देखा बढ़ते हुए, चार्ज को देखा लीनियरली बढ़ते हुए। अब तीसरा और लास्ट केस को जरा कंसीडर कीजिए कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ा। करंट को जब आप कीजिएगा तो जो चार्ज की वैल्यू था डी क्यू, उसको टाइम से आपको करना पड़ेगा डी टी, और टाइम के लिए आपके पास यहां पर आइएगा तो ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, ये टर्म तो आपका वेनिश हो जाएगा, बाकी अब उस टर्म के पास आएगा तो उसमें भी से मल्टीप्लाई करते हुए, तो के एप्सिलन नॉट बी माइनस एप्सिलन नॉट बी डी, और यहां पर भी तो रहेगा ही, एंड डीएक्स बाई डी टी, वॉट इज डीएक्स बाई डी टी, आप इसको डीएक्स बाई डी टी कर दीजिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और डीएक्स बाई डी टी वेलोसिटी मैं दूंगा, तो ये करेंट हो गया, ये कितना हो गया k माइनस वन एप्सिलन नॉट बी डी, ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वेलोसिटी को अगर मैं वी नॉट मान लूँ, लेट अस सपोज वी नॉट इज द वेलोसिटी, वी नॉट इन टू टी ले लें, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट ले लें, थोड़ा सा मेरा क्लियर आ जाएगा। तो दिस i इज ए कॉन्स्टेंट, मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि i डज नॉट चेंज विथ पोजिशन और टाइम, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं i और x के साथ ले लूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, x हो या फिर v और t हो, v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि i इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यूज कितना हो जाएगा, k माइनस वन एप्सिलन नॉट v दिस पोटेंशियल इनटू v नॉट डिवाइडेड बाई t, एंड दिस इज द कांस्टेंट करेंट। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज आपको बताया कि जैसे डायलेक्ट्रिक को डालते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेस लीनियरली, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम एज बैटरी इज कनेक्टेड, चार्ज इंक्रीजेस लीनियरली एज डायलेक्ट्रिक गोज इनसाइड विद टाइम और विद पोजीशन, दोनों आप कह सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू वी टी, और लास्टली करेंट रिमेन सेम, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, जितना करेंट आएगा आप अंदर डालते जाइए, और करेंट का क्या वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट करेंट है, ऐसा नहीं है कि करेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे बढ़िया से समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक वैसे क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूं जहां कैपेसिटर के साथ रेसिस्टर भी लगे होते हैं, और उस केस पे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने आपको ये कैपेसिटर दिखाया, आपको एक रेसिस्टर दिखाया, और बैटरी से मैंने जोड़ दिया इसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। लेट अस सपोज दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, दिस इज द 100 माइक्रोफ़ारड, लेट अस सपोज दिस इज अगेन 100 माइक्रोफ़ारड, एंड ऑल्सो कंसीडर दिस टू बी द 100 ओम। मैं यहां पर इसे स्विच भी दिया और इसे एट स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में देगा, एट स्टेडी स्टेट व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, कितना चार्ज कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर होगा। भाई आप, मैंने इसे स्विच को ऑन किया, स्विच इज प्रेस्ड, आप जैसे प्रेस करेंगे इससे करंट फ्लो करने लगेगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा,
ये फुल्ली चार्ज्ड हो गया, ये पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। हमने ये कहा इसकी भी कैपेसिटेंस क्या है 100 और इसकी भी कैपेसिटेंस क्या है 100। अब क्या होगा जब ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा तो देर इज ए नो चार्ज, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि अब चार्ज इसके ऊपर अक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, जितना होना था वो हो चुका, तो अब क्या करेगा करंट इस सोर्स से पास कर जाएगा। आप देख सकते हैं करंट इस सोर्स से पास कर गया, बेहतरीन करंट निकल गया, करंट को ऊपर जाना नहीं, और ये क्या हो चुका है फुल्ली चार्ज्ड हो चुका है और ये ब्लॉक करता है। तो कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई मीन्स डायरेक्ट करंट सप्लाई को ब्लॉक कर दिया, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। अब आपके पास क्या हो गया, एक रेसिस्टेंस है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, आई इक्वल टू वी बाई आर एंड दिस इज ऑब्वियसली 1/5 एम्पियर, ये 1/5 एम्पियर आ गया। ठीक आ गया, अब 1/5 एम्पियर आ गया तो यहां पर 20 वोल्ट है, तो ये वाला के कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, और ये वाला कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अब दोनों पर से यहां तक पर कितना चार्ज आ जाएगा आप इसे नोट कर सकते हैं, वॉट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, आप अगर इसको C1 मान लीजिए और इसको C2 मान लीजिए तो वॉट इज चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट, वॉट इज सी इक्विवेलेंट, आपके पास 100 और 100 है, आप जानते हैं कि सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, दैट इज 50 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है ना, अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 20 और 0 पर है तो आपके पास एक चार्ज का फॉर्मूला है ना, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, सी के जगह पर 50 आ गया और वी के जगह पर 20 आ गया, दैट इज कॉल्ड 1000 माइक्रो कूलम। ये आपके पास क्या आ गया 1000 माइक्रो कूलम आ गया, बेहतरीन ढंग से आ गया, 1000 माइक्रो कूलम इस पर भी चार्ज आ गया और 1000 माइक्रो कूलम इस पर भी चार्ज आ गया। अब आपका इसका एनर्जी कितना होगा और इसका एनर्जी कितना होगा, या फिर सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास है, आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं पहले एनर्जी U1 पर कितना हो जाएगा, तो दिस इज Q² / 2C, आप इसको कर सकते हैं, चार्ज कितना आ गया 1000 का स्क्वायर, मतलब 1000 × 1000/2, और सी तो आपके पास दिया ही हुआ ना 100 है, इससे आप दोनों वैल्यूज कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा 5000 माइक्रो जूल, और उसमें भी लेंगे U2 में भी कितना आ जाएगा, तो सिमिलर अमाउंट आएगा 5000 माइक्रो जूल, तो दैट मच आ गया आपके पास। पूछेगा भाई ये पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट इज द V1, V1 की पोटेंशियल टर्मिनल पर क्या होगा, आप निकाल सकते हैं ना कैसे, क्यू इक्वल टू क्या होता है CV, इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा C/Q, सी के पास आपके पास ऑलरेडी है 100, सी की कैपेसिटेंस 100 है, और आपके पास चार्ज कितना आ गया है, आपके पास चार्ज पहले से ही नोट कर लिया था 1000 माइक्रो कूलम। थोड़ा सा इसमें आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्यू ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ सिंपल, क्यू इक्वल टू सी भी है, इसलिए वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपल Q/C, क्यू का वैल्यूज कितना 1000 है एंड सी का वैल्यू 100 है, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, इसलिए यहाँ पर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, 20, 10, 10, दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट पर आ गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम्स में भी आपके पास क्या है, देर आर 2 कैपेसिटर्स आप देख सकते हैं एंड देर आर 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड विद अ 20 वोल्ट पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई। कहता है कि अगर स्टेडी स्टेट आ जाए, व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, जब आपकी स्टेडी स्टेट आ जाए उस समय बताइए कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर, व्हाट इज एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, उस समय क्या बताना है। तो ये एक आसान सा ही क्वेश्चन है, मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल नहीं देता हूं, क्यों आप जरा देखिए, यहां से करंट आपके पास सप्लाई हुआ, अरे क्या होगा,
इसके पास फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये भी आपके पास यहां से चला जाएगा। अब ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो व्हाट इज द करेंट, आपको मैंने पहले भी बताया कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई को बंद कर दिया, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा करंट नहीं जाएगा, इससे भी क्या हो जाएगा करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट किधर घूम गया, इस साइड घूम गया, और इस साइड घूम गया, ये करंट इस साइड से आ गया। अब ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर क्या है, अगर करंट सेम करंट पास करता है तो हम लोग जानते हैं कि दो करंट अगर सेम पास करता है तो इस सीरीज में आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा रेसिस्टर के केस में, 100 प्लस 100 हो जाएगा, दैट इज सो सिंपल, 200 ओम हो जाएगा। अगर ये 200 ओम हो गया और वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ तो ओम्स लॉ के मुताबिक आई इक्वल टू वी बाई आर, वी सप्लाई 20 है और आर आपके पास 200 है, ये कटता हुआ 1/10 एम्पियर, सिंपल 1/10 एम्पियर करंट आ रहा है। अच्छी बात है। अब आपको इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। आप एक काम कीजिए, यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, मैं नाम देता हूं ए और बी, तो व्हाट इज ए वी ए बी, सिंपल ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, मैं टारगेट करता हूं कि कैपेसिटर को घेरने के लिए मैं इसके दोनों बाउंड्री पर आके चेक पॉइंट पर आ गया, ए और बी, आपके पास क्या हो जाएगा आई इंटू आर, आई कितना है 1/10 और इसकी आर रेसिस्टेंस है 100, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 वोल्ट्स। आप वी ए बी को नोट कर लीजिए, 10 वोल्ट हो गया, सिंपल बात है। अरे भाई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर का आप कितना लीजिएगा, यहाँ देखिए बच्चे लोग इसको कितना लीजिएगा 20 वोल्ट, क्यों, क्योंकि ये 20 है तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर का कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। कैसे 10 वोल्ट आ जाएगा, कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, वी और ए के बीच में आपने देखा है वी ए बी का 10 वोल्ट है, तो ये 20 है, यहाँ पर 10 का वोल्ट का डिप्रिशिएशन होगा और वो 10 वोल्ट आ जाएगा, 20 - 10 दैट इज 10 वोल्ट आ गया आपके पास। दूसरी बात आइए, क्या इससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, आप कहिएगा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ये 10 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट, ये आपके पास कितना है 20 वोल्ट है ए पर, और इसको अगर सी मान लीजिए तो सी पर का 10 वोल्ट हो गया। अब ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस को आप दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो गया आपके पास, 100 और 100 को जोड़िएगा तो 100/2 हो जाएगा, सो सिंपल दैट इज ए 50 माइक्रो फर्क हो गया, ये तो निकल गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया व्हाट इज द एनर्जी, यू इक्वल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप चाहिएगा तो आप इसके बीच की चार्ज निकाल लीजिए, इससे और इससे कितना चार्ज आता है, तो आप चार्ज कैसे निकालेंगे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी इंटू वी, किसकी सी इक्विवेलेंट, किसकी इक्विवेलेंट, ये दोनों का कितना इक्विवेलेंट है 50, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, ये दोनों कैपेसिटर के बीच में 10 वोल्ट है, तो आपके पास चार्ज कितना आ गया 500 माइक्रो कूलम, ये दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज, इसके ऊपर और इसके ऊपर चार्ज आपके पास कितना आ गया 500 माइक्रो। अब चार्ज आ गया है और कैपेसिटेंस भी जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी जानते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आप बताइए इस पर कितना एनर्जी होगा, ये रहा U1 कितना हो जाएगा, सिंपल है, आप इसकी सी भी जानते हैं और चार्ज भी जानते हैं, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, जिसमें सी और चार्ज दोनों का है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हम इसमें कौन सा फॉर्मेट ले लें, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यस। क्यू कितना है आपके पास मालूम है, 500 को दो बार कर दीजिए, स्क्वायर है, एंड सी आपके पास ऑलरेडी मालूम है 100 माइक्रो फारड है, ये दोनों कटेगा, ये दोनों भी कटेगा, अब आपके पास आ जाएगा 125.0 इतना माइक्रो जूल आ जाए, और दोनों पर एनर्जी बराबर बराबर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि दोनों का 10 वोल्ट है तो बीच में यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आपको ध्यान देना है ये 15 वोल्ट आ जाएगा और लास्ट में आपके पास 20 वोल्ट आ जाएगा, ताकि आप इस बात को भी समझ लीजिए, यहां पर आपका 0 है, 10 वोल्ट है, ये 5 आ गया, ये 5 वोल्ट आ गया आपके पास, ये 5 वोल्ट है और ये भी 10 - 5 - 5 - 0 - 5। इस तरह से मैं किसी पर भी चार्ज, किसी पर भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, लेकिन किस स्टेट पर, जब ये स्टेडी स्टेट आ जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर ब्लॉक्स द सप्लाई ऑफ करंट थ्रू इट व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। इस तरह से मैंने आपको एक छोटे सेशंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में कुछ
हाई लेवल की जानकारी दी जो आप यूज हो सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बताऊंगा कैपेसिटेंस इन डिफरेंट कंडीशंस, ताकि आप बेहतरीन ढंग से कैपेसिटर को समझ सकें। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।